इस सर्प ने इस पक्षी को पकड़ के रखा है और इसको निगलने की कोशिश कर रहा है। इसका सर तो अपने मुंह में ले चुका है पूरी तरह से, और ये देखिए पक्षी काफी बड़ा है, मगर इसके बाद भी वो उसको आधा से ज्यादा निगल गया है और बाकी धीरे धीरे निगलने की कोशिश कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि इसने इस पक्षी को पकड़ा कैसे। जीव जीवस्य भोजनम्। ये तो अजगर का ही छोटा रूप लग रहा है। मैं इसको घुमा करके दिखाऊंगा एक बार दूसरी तरफ से, आप इधर से देख सकते हैं इसका मुंह इस तरफ है। ये अभी आपको दिखेगा कितनी मजबूती से पकड़ रखा है। अभी ये बाहर की तरफ निकाल रहा है इस पक्षी को, मुझे लग रहा है निकलने में उसको तकलीफ आ रही है। ये देखिए उसकी गर्दन को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। पक्षी तो मर चुका है, मैं अब इसको छुड़वाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये इसका भोजन नहीं बन सकता, इसलिए मैं इस गेम को यहीं पे फाइनल की दे रहा हूँ। छोड़ इसको छोड़, ये देखो उसने छोड़ दिया। अब ये काफ़ी गुस्से में लग रहा है, इस तरह से उछल रहा है। पक्षी तो मर चुका है, वापस खा लेगा उसको वो तो। ये छोटा पाइथन है, अभी आगे चलकर ये बड़ा रूप धारण करेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा ये। अभी ये छोटा है इसलिए निकल नहीं पाया इसको। देखा आप लोगों ने, ये सावन का महीना है और यहाँ कई प्रकार के जंतु इसी प्रकार से एक दूसरे का शिकार करते रहते हैं, और अभी लाइव देखा मैंने मेरी आंखों के सामने ही। अब देखिए वो सर्प है ना, जो पाइथन, वो अपने वापस बिल में जाके घुस गया है। इस पक्षी को तो उसने मार दिया। सोचने वाली बात है, इसको पकड़ा कैसे इसने? ये तो काफ़ी तीव्र पक्षी होता है, उड़ने वाला होता है, और वो देखो वो अंदर घुस गया। अभी मुझे लग रहा है मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो वापस निकलेगा। देखो वो अंदर जाके वापस निकल रहा है और इसको खाएगा तो ज़रूरी है। खैर मैं अपना समय अनष्ट नहीं करूँगा। अब देखा आप लोगों ने।